हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, अगर आपके भी बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बालों में डैंड्रफ हो गया है, बाल दो मुंह हो गए हैं, बालों की ग्रोथ रुक गई है, बाल डैमेज हो गए हैं, अगर आप भी इनमें से कोई एक समस्या है तो आज की वीडियो में मैं इसी का परमानेंट इलाज बताऊंगी, जिसको यूज़ करने के बाद बालों का 101% झड़ना बंद हो जाएगा। ये काफ़ी पावरफुल रेमेडीज़ हैं, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमारे घर में आसानी से मिल जाएंगे। और इसे सिर्फ सप्ताह में दो बार अपने बालों पर लगाना है, 2 घंटे तक लगे रहने देना है, फिर माइल्ड शैम्पू से बालों को धो लेना है। इसको लगाने से बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, बाल कमज़ोर हैं तो मजबूत हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ कम है तो बालों की ग्रोथ बढ़ेगी। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, मेरे कहने से आपको खुद फ़र्क महसूस होगा। और एक बात, बालों की जुड़ी कोई भी समस्या है तो उसके लिए आज से ही 1 नारियल पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी हेयर से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, नारियल पानी हमें अंदर से हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और आज से 3 और 4 बादाम डेली खाना स्टार्ट कर दीजिए। बादाम में 3 फैटी एसिड होते हैं जो हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं, इससे बाल अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे। तो गाइस, आज से पिज़्ज़ा बर्गर खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसकी जगह नारियल पानी पीजिए और हेल्थी फूड खाना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे बाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बने। और इस रेमेडीज़ को कैसे बनाना है तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ इस रेमेडीज़ को कैसे बनाना है। उसके लिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके फैमिली में किसी को भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस रेमेडीज़ को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 प्याज, 1 नींबू और लहसुन और अदरक। इन सबको अच्छे से धोकर आपको मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है और इन्हें स्टैंड कर लेना है। इस तरीके से ये मैंने निकाल के पहले से स्टैंड कर लिया है और इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ लेना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आप 2 प्याज ले सकते हैं। लहसुन और प्याज, ये सभी चीज़ें हमें हमारी किचन में आसानी से मिल जाएगी। क्या इस प्याज में सल्फर पाया जाता है जो बालों की हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है, नए बाल लाने में काफ़ी हेल्प करता है। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल पाया जाता है जिससे सर में डैंड्रफ ख़त्म करता है, फंगल इन्फेक्शन है ये उसको ख़त्म करता है, सर से रिलेटेड जो भी समस्या है ये उसे ख़त्म करता है। अगर सर में बाल नहीं है तो बाल उगने लग जाएंगे, बाल कम है तो हेयर की ग्रोथ बनेगी, बाल सिल्की सॉफ्ट स्मूथ बनेंगे। इसे अच्छे से बनाकर आप तैयार कर लीजिए। इसमें हम ऑलिव ऑयल मिलाएंगे थोड़ा सा, जिससे हमारे बाल सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग बने और साथ ही बालों की ग्रोथ बढ़े, क्योंकि ऑलिव ऑयल में भी 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो हेयर की ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इस तरीके से ये हमारी रेमेडीज़ बनकर तैयार हो जाएगी। इसे आपको अपने बालों में लगाना है और 2 घंटे तक लगे रहने देना है। इसे आप चाहें तो कॉटन को डीप करके भी बालों की जड़ों से लगाना, नहीं तो स्प्रे बॉटल में भरकर भी बालों में स्प्रे कर सकते हैं। और जड़ों से लगाकर पूरे बालों में इसे आपको लगाना है और 2 घंटे तक लगे रहने देना है। ऐसा अगर आप डेली करेंगे 1 महीने तक, मेरा यकीन है आपकी जो भी हेयर फॉल की समस्या है वो सब ख़त्म हो जाएगी। और अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना।